चाचा जी को ज्यादा टाइम नहीं लग गया आने में? अब तो लगना ही चाहिए ना, क्या फर्क पड़ रहा है, अपन तो चाहते हैं कि ज्यादा टाइम लगे। क्योंकि अब तो कोई टेंशन भी नहीं है। एग्जैक्टली, अब तो भीड़ अंकल 4 घंटे बाद जाने वाले हैं। 340 मिनट मेरे हाथ पर गोली, 4 घंटे बाद क्यों जाएंगे, तब तक तो सोनू ही आ जाए। चाचा जी ने आज बार हमको कितना मत बेवकूफ बनाया। नहीं भीड़ अंकल, अब तो कोई भागदौड़ नहीं है ना? अरे कैसे की भागदौड़ भाई, अब तो ट्रेन 4 घंटे लेट है, अब तो भीड़ आराम से जाएगा। आराम से? नहीं नहीं नहीं, कोई आराम से नहीं जाऊंगा भाई, ट्रेन टाइम पे है, कोई 4 घंटा लेट नहीं है। ट्रेन टाइम पे? हाँ, चाचा जी को गलत फहमी हो गई थी, ट्रेन बिल्कुल टाइम पे है, इसलिए मैं अभी जाऊंगा, फटाफट स्विच ऑन लिखूंगा और स्टेशन जाऊंगा। एक मिनट रुको चाचा जी, ट्रेन टाइम पे कैसे हो सकती है? ट्रेन 4 घंटे लेट चल रही थी, ऐसे थोड़ी अचानक टाइम पे हो जाती है। अरे मान लो पैसेंजर को कितनी तकलीफ होगी, पहले बोलोगे लेट है फिर बोलेंगे कि टाइम पे है, ऐसे कैसे थोड़ा। डिस्कशन क्यों करो, मैंने रेलवे में इंक्वायरी की थी, रेलवे वालों ने मुझे खुद बताया कि ट्रेन टाइम पे है। ठीक है, अभी मैं स्विच लिखता हूँ और फटाफट स्टेशन जाता हूँ, आप लोग बातें। दादाजी भीड़ अंकल मान तो गए थे, फिर उन्होंने रेलवे में क्यों फोन किया? वो मान ही गया था भाई, लेकिन पता नहीं उसके किसी दोस्त का फोन आया जो उसे स्टेशन पे मिलने वाला है, उसने बोल लिया कि ट्रेन तो टाइम पे, फिर बिल्डिंग मास्टर ने पक्का करने के लिए रेलवे इंक्वायरी में फोन किया, तो वहाँ पे भी बता दिया कि ट्रेन तो टाइम पे ही भाई। ओए यारो, अब क्या? अब हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है। क्या? क्या? हमें कुछ भी करके भीड़ अंकल को यही रोककर उनके साथ जितना हो सके उतना टाइम पास करना है। चलो 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 चलो, क्या हुआ आप सब लोग यहाँ? कुछ नहीं हुआ, मतलब हम सोच रहे थे कि भाई बड़े सुविचार लिख रहा है तो जाके देखते। सुविचार भाई लिखते हुए देखना भी तो प्रक्रिया है। तुम जाने दे, पहले सुविचार लिख रहा है तो मस्त सुविचार लिखना, थोड़ा टाइम लगेगा तो चलेगा। मैं अच्छा सुविचार लिखना, ऐसा वैसा सुविचार नहीं चलेगा। एक मिनट पोपटल, ऐसा वैसा सुविचार मतलब क्या? मैं हमेशा अच्छा ही सुविचार लिखता हूँ। नहीं क्या है ना भाई, आजकल तेरे सुविचार की क्वालिटी थोड़ी ढीली हो गई है। ढीली? पर क्वालिटी क्या क्वालिटी, कोई कपड़ा थोड़ी जो क्वालिटी बोल रहे हो तुम। अरे सुविचार है सुविचार। वही कह रहा हूँ भाई, सुविचार है सुविचार, यानी अच्छा विचार। आते जाते हजारों लोग पढ़ते हैं। करेक्ट, हजारों। हाँ तो हजारों लोग पढ़ते हैं, लेकिन कभी तुम पढ़ते हो सुविचार? हाँ बिल्कुल, रोज सुबह पढ़ता हूँ, जब ये अखबार स्टैंड पे अखबार पढ़ने आता तो सबसे पहले सुविचार पढ़ता हूँ। और सुविचार अच्छा नहीं होता है ना तो पूरा दिन खराब जाता है। पता है कितनी बड़ी जिम्मेदारी है सुविचार लिखना? हाँ मुझे जिम्मेदारी पता है पोपटलाल, और मुझे ये भी पता है कि तुम यहाँ पे क्यों आते हो, फोकट का अखबार पढ़ना, फोकट का सुविचार पढ़ना। क्या 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 फोकट का, क्या फोकट का भाई सुविचार? ये सोसाइटी का बोर्ड है भाई। अरे क्या सुबह सुबह झगड़ा कर रहे हो यार, चुप रहो ना यार। भाई पोपटलाल तुम तो बहुत बढ़िया सुविचार ही लिखते हो, हमेशा बहुत अच्छा लिखते हो। कहने का मतलब ये है कि आज ऐसा सुविचार लिखो कि बच्चों को बड़ों को सबको प्रेरणा मिले। ठीक है ठीक है, जरा समझाओ इसे। क्या मेहता साहब, झगड़ा क्यों रुकवा दिया, इतना अच्छा झगड़ा चल रहा था। झगड़ा कब अच्छा होता है भाई, झगड़ा लगा दे भाई। मैं टाइम पास कर रहा था ताकि भिड़े को थोड़ा और लेट हो जाए। क्या क्या लेट, क्या लेट? अरे नहीं नहीं भिड़े, अरे मैं बोल रहा था पोपटलाल को भाई कि तुम क्या टाइम पास कर रहे हो यार, उसे लेट हो रहा है भिड़े को और तुम सब ये बात कर रहे हो। तुम्हें लेट ना हो, मैं ऐसा बोला था। हाँ हाँ वही। क्या लिख दिया? नहीं नहीं नहीं, अच्छा नहीं, बिल्कुल मजा नहीं आया, मैंने बोला था ना क्वालिटी। हाँ थोड़ा सा बेटर हो सकता है। आप इसे कोई सुविचार बताओ मुझे। हाँ 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 हाँ, मेरे पास एक सुविचार है। हाँ वेरी गुड वेरी गुड, बड़ा वेरी गुड। हाँ बताओ। काम ऐसा करो, काम ऐसा करो कि लोग सामने से आकर कह कर जाए भाई तू रहने दे हम लोग कर ले। मस्त मस्त, काम ऐसा करो कि लोग सामने से आके बोले कि तुम रहने दो हम कर लेंगे।
मोबाइल पे जो जोक फॉरवर्ड होते हैं उसको तुम स्विचर का नाम दे रहे हो? पोपटलाल, तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, तुम बोलो ना स्विचर। हाँ, उसमें क्या है? मेरे पास तो बहुत सुविचार रहते हैं, अभी बता दो। क्या ना, वैसे तो रोज सुबह मेरे दिमाग में ऐसे फ्रेश सुविचार आते हैं, बहुत सारे आते हैं, लेकिन आज क्या है, मैंने सुबह से नाश्ता नहीं किया है ना, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, पर आ जाएगा, अभी आ जाएगा, दो मिनट का टाइम दो मुझे, सोचता हूँ मैं। मेहता साहब, आप बताइए सुविचार। बताइए। नहीं, लेखक है, लेखक तो विचारों की खान होते हैं, उनके पास तो विचारों का भंडार होता है। वो क्या है ना कि हर लेखक का अपना एक तरीका होता है विचारों के तारतम्य का। मेरा क्या, जब तक सुबह चाय ना पीऊं ना एक बढ़िया फर्स्ट क्लास, तो तब तक मेरे विचारों के तंतु खुलते नहीं है। वाह, आज मैंने चाय अभी तक पी नहीं है, इसलिए वो विचार आ नहीं रहे अभी, तो मुझे बस थोड़ा सा वक्त देने पड़े, अभी देता हूँ। शानदार। अय्यर, तुम क्या कब से खड़े हो, तुम बोलो ना भाई। मैं एक काम कर दे, मैं घर जाकर भागवत गीता लेकर आता हूँ, उसमें ना बहुत सारे अच्छे सुविचार है, उसमें से कोई अच्छा सुविचार लिखते हैं, है ना? हाँ, 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 बहुत अच्छा आइडिया है। अरे अभी कहाँ भगवत गीता लेने जाओगे भाई, मुझे लेट हो रहा है अय्यर। भिड़ंकर, मेरे मोबाइल में एक मैसेज आया है, आप वो सुविचार लिख सकते हो। ग्रेट, बता जल्दी बता। बता जल्दी। सॉलिड टाइम पास कर रहा है। अरे क्या कर रहे हो गोगी, बताओ ना जल्दी। हाँ, वो मैसेज बोर्ड नीचे चला गया ना, इसके लिए स्क्रॉल कर रहा हूँ, थोड़ा इतना टाइम लगता है ढूंढने में इधर। ये तो स्विच ऑफ है। वो आपके हाथ में फोन आया ना, और पता नहीं बैटरी चली गई। अहो, आप ना कंपाउंड में नीचे गए नहीं कि अटक ही जाते हो उधर? अरे नहीं नहीं, अटक नहीं गया माजी, बस सुविचार लिख के आ ही रहा हूँ। तो घड़ी देखिए, स्टेशन पहुँचना है हमें, एक सुविचार लिखने में कितना टाइम आपको? 40 मिनट। अरे 40 मिनट क्या 40 मिनट, अरे 2 मिनट में हो जाएगा माजी, मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ, तुम टेंशन मत लो, हम लोग वक्त पे स्टेशन पे पहुँच जाएंगे। ये मिल गया सुविचार, हम वक्त की कदर करेंगे तो वक्त हमारी कदर करेगा, बस 2 मिनट में आया लिख के। भिड़े भाई, मत लिखिए। क्यों? वो क्या है ना, ये सुविचार बहुत सादा वाला है। थोड़ा थोड़ी बेच रहा हूँ सादा मसाला। आदमराम, अब्दुल इज राइट, सुविचार है ना थोड़ा हटके और यूनिक होना चाहिए। हाँ भिड़े, कुछ ऐसा तड़कता फड़कता लिख के दिल को छू जाए। ओ, क्या चल रहा है ओ, मेरे प्यारे गोकुलधाम वासियों, गुड मॉर्निंग पिड़ो, गुड मॉर्निंग। अरे तू गया नहीं स्टेज में? अरे नहीं सोड़े, अभी जा ही रहा था, अभी सुविचार लिखने के लिए यहाँ पे आया, देर हो गई है। और देर क्या हो गई पिड़ो, और रोशन सिंह सोड़ी की गड्डी है ना, फुल करके तेरे को सीधे रत्नागिरी पहुंचा दूंगा। क्या बात, रत्नागिरी नहीं है, स्टेशन ला जाए। अच्छा, तो स्टेशन पहुंचा दूंगा। अच्छा सोड़ी, तुम जरा गाड़ी बराबर चेक कर लेना, मतलब डीजल विजल है कि नहीं, ये तो पता चला हम लोग जा रहे हैं और बीच में गाड़ी बंद पड़ गई, फिर लेट हो जाएगा मुझे। और रोशन सिंह तोड़ी की गड्डी है, हमेशा टिच रहती है। हाँ तो ठीक है सोड़ी, लेकिन जरा मुझे सुविचार बताना भाई, कुछ सूझ नहीं रहा है। हाँ तो लिख। आप सब अपनी मुंडी नामे क्यों हिला रहे हो भाई? क्या कर रहा भाई छोड़ी, भिड़े को लेट हो रहा है, सुविचार बताना, लेट हो रहा है उसको। पापा सुविचार ना दसो। माल करता पुत्र, सुविचार क्यों ना दसो? सुविचार बताना तो बहुत चंगा है पुत्र, और इससे बहुत लोगों की जिंदगी बदल जाती है। पापा मैं वही तो बोला, सुविचार दसो ना। ना आगे पीछे हो गया। तो लिख पिड़ो। और दूसरों को खुशियां बांटो और खुशियां पाओ, हंसो हंसो। वाह वाह, अप्रतिम सुविचार सोड़ी। नहीं 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 भिड़ंकल, सुविचार अच्छा नहीं है। ये सुविचार अच्छा क्यों नहीं है भाई? नहीं नहीं, अच्छा है, बहुत अच्छा है भाई। तू अच्छा ही सुविचार बताएगा ना, लेकिन क्या है, तू इससे अच्छा सोच सकता है? सोच सकता है। हाँ हाँ,
हमें? एक मिनट, सोड़ी सोड़ी सोचने की जरूरत नहीं है, मस्त सुविचार है पोपटलाल, अच्छा सुविचार है। अरे मैं सोचूं या ना सोचूं? मत सोचो, अप्रतिम सुविचार, ठीक है? ओके, देखो बढ़िया सुविचार दिया ना मैंने। सुविचार देख अपने सब गड़बड़ कर दिया। गड़बड़ क्यों गड़बड़? अरे सोडी अंकल, बीड़ी अंकल और माधवी आंटी सोनू को सरप्राइज देने रत्नागिरी जाने वाले हैं और सोनू अभी यहाँ आ रही है, इसलिए हमें कुछ भी करके बीड़ी अंकल और माधवी आंटी को यहाँ पर रोक कर रखना है। ये तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, बीड़ों को बता देते हैं। नहीं बता सकते ना सोडी अंकल, वही तो चैलेंज है। हाँ पापा, सोनू के आने की बात न बताकर हमें बीड़ी अंकल और माधवी आंटी को यहाँ रोकना है, क्योंकि वो उन्हें सरप्राइज देना चाहती है। फिर तो गड़बड़ हो गई। दूसरों को खुशियाँ बांटो और खुशियाँ पाओ। बड़ो, मिटा दे इस सुविचार को, ये अच्छा नहीं है। अरे सोड़ी, अप्रतिम सुविचार है, इससे बढ़िया सुविचार हो ही नहीं सकता भाई। अभी तुम गाड़ी निकालो, मैं और माधी सामान लेकर नीचे आते, ठीक है? अरे जाओ दे मला काय भाई, भाई आपने क्या किया? आपकी वजह से अभी बीड़े अंकल फटाफट निकल जाएंगे। सॉरी पुत्र, आत्माराम निकल गया तो टप्पू सेना चैलेंज हार जाएगा। टप्पू तू सोनू को एक बार फोन करके पूछ के देखना वो कहाँ पहुंची है। हो सकता है आ ही रही हो तो सब मामले ठीक हो जाएंगे। हाँ टप्पू बोल। सोनू तू कहाँ पहुंची और कितना टाइम लगेगा तुझे? मुझे कम से कम और आधा घंटा लगेगा। ठीक है तू जल्दी आ सोनू, जल्दी आ। देख टप्पू, तू हारना मत, मेरे आई बाबा के चेहरे पे तुझे मुस्कुराहट लानी है। क्या हुआ, क्या कहा सोनू ने? सोनू को आने में और आधा घंटा लगेगा। फिर तो आत्माराम को रोकना मुश्किल हो जाएगा। हम सबने पीड़ू को रोकने की कोशिश तो की पर वो नहीं रुकेगा। हेलो, हाँ हाँ आता हूँ आता हूँ। माल की डिलीवरी देने के लिए आया है तो मुझे जाना पड़ेगा। अरे आप सब लोग यहाँ क्या हुआ? रसगुल्लों की तरह खिलने वाले हमारे गोकुलधाम वासियों के चेहरे से खुशियों का रस गुल क्यों है? मुझे लगता है कि हमें भिड़े को सोनू के सरप्राइज के बारे में बता देना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, मैं तो अंकल, हम सोनू के सरप्राइज के बारे में भिड़े अंकल को नहीं बताएंगे। तो वो स्टेशन पहुंच जाएगा भाई। हाँ हाँ वो चलेगा, हमें उतना रिस्क तो लेना ही होगा। यार टप्पू कैसी बातें कर रहे हो बेटा, ये ठीक नहीं, ये गलत है। तुम्हारे चैलेंज के चक्कर में भिड़े इतना परेशान हो, साथ में माधवी भाभी भी स्टेशन तक जाए, क्या बता देना चाहिए भाई। अंकल ये सब हम सिर्फ चैलेंज जीतने के लिए नहीं कर रहे, भिड़े अंकल और माधवी आंटी की खुशी के लिए कर रहे। आप सोचिए, सोनू जब भीड़े अंकल और माधवी आंटी को सरप्राइज देगी और तीनों के चेहरे पे जो खुशी होगी, उस खुशी के लिए ये सब कर रहे हैं। हाँ पापा, हम लोग ने सब आइडियाज ट्राई किए लेकिन हमारा एक भी आइडिया काम नहीं आया। आप कुछ आइडिया दीजिए ना प्लीज। ठीक है, कुछ सोचता हूँ। चला चला चला। अरे सोड़ी, तुम अभी तक यही हो? अरे गाड़ी लेके आओ ना भाई। अरे भिड़े मास्टर। हाँ रुको रुको, देखो तुम रत्नागिरी जा रहे हो ना, तो मेरे लिए वहां से ना कोकम शरबत जरूर लाना। हाँ नक्की नक्की, अभी सोड़ी गाड़ी लेके आए। अरे सोड़ी तुम यहाँ पे क्यों आ गए? अरे जाके गाड़ी लेके आओ ना भाई। सोड़ी भाई जरा प्लीज लवकर। बीड़े मास्टर, अब तुम जा ही रहे हो तो साथ में आम पापड़ भी बहुत फेमस है ना। हाँ बहुत बहुत फेमस। हाँ बढ़िया, तो वो भी ले आना ना। अरे हाथी भाई, आपको जो जो चाहिए मुझे मैसेज कर देना, मैं सब लेते हुए आऊंगा, ठीक है? जरा पूरे जाओ। बीड़े मास्टर। ओ सोड़ी, तुम इतने धीरे धीरे क्यों चल रहे हो भाई, जाके जल्दी गाड़ी लेके आओ। मुझे तुम्हें हैप्पी जर्नी विश करना था।
हैप्पी जर्नी। हाँ हैप्पी जर्नी, हैप्पी जर्नी। अरे भिड़े तू क्या हैप्पी जर्नी बोल रहा है भाई? कोई हैप्पी जर्नी बोलेगा तो तुझे थैंक यू बोलना चाहिए। हाँ हाँ थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चल चला 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 लो उनको। अरे हाथ बांटता है हाथी भाई, जरा फिर से हाथ मिला ना। अरे काय झालं हाथी भाई ना? ये मास्टर तुम्हें तो बुखार है। बुखार है? अरे बुखार है सोनी। बुखार है बुखार है बुखार है। नहीं मैंने बुखार नहीं है। अरे तुझे नहीं भीड़े को बुखार है। भीड़ों को बुखार? ओहो भीड़ों को बुखार है। हाय हाय भीड़ों को बुखार है। अरे कोई बुखार नहीं भाई। अरे भीड़े मास्टर डॉक्टर मैं हूँ या तुम? आप ही हो लेकिन। अरे तो मैं बताऊंगा ना तुम्हें बुखार है। बोलो। मैं जानता हूँ ना मुझे कुछ नहीं हो रहा है, अभी लेट हो रहा है मुझे। हाँ देखो लेट हो रहा हो या जल्दी तुम्हें बुखार है मतलब है। तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं है? ठीक है एक काम करते हैं, ये लोग तुम्हें बारी बारी चेक करके बताएंगे कि तुम्हें बुखार है कि नहीं। अरे फिर तो सही है ना। आइए डॉक्टर ने चेक कर लिया तो क्या जरूरत है, लेकिन एक बार देख ले। नहीं 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 ये ना बगा माधवी भाभी है, बुखार है। मैं इसको बोल रहा था नहीं नहीं बुखार है। और नब्ज भी कितनी तेज चल रही है। नब्ज अंदर घड़ी पकड़ ली तुम्हें। हाँ लेकिन बुखार है भाई, बुखार है 100% बुखार है। मुझे चेक कर देखो 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 बड़े बड़े बुखार तो है भाई, बुखार है भाई। नहीं है बुखार काय चल रहे आत्माराम बुखार है इसको। नहीं है भाई क्या बोल रहे हो। छोड़ मुझे देखो का बुखार है यार तुझे। चलो कसं शक्य माधवी तुम जा चेक करो। नहीं एकदम ठंड है तो वही तो आते भाई इनको बुखार नहीं है। माधवी भाभी एक्चुअली क्या है ना कि शायद आपको भी बुखार होगा, इसलिए जो भिड़े मास्टर का बुखार है ना वो आपको समझ में नहीं आ रहा है। पर मैं कह रहा हूँ ना भिड़े मास्टर को बुखार है। हमने चेक किया है बिल्कुल है। हाथी भाई हम दोनों को बुखार नहीं है। अरे भाई भिड़े तुझे डॉक्टर से भी ज्यादा समझ में आता है? अरे ऐसी बात नहीं पोपटा, लेकिन मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देखो भिड़े मास्टर तुम बाहर से अपने आप को स्वस्थ महसूस कर रहे हो पर अंदर से बिल्कुल भी स्वस्थ नहीं हो। क्या है भले तुम्हें जाने का उत्साह है इसलिए तुम्हें अच्छा लग रहा है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन अंदर से तुम बीमार हो। डॉक्टर साहब खुद बोल रहे हैं भाई, डॉक्टर आते ने चेक किया है। और देखो भिड़े आधा एक घंटे की बात हो तो बात अलग, तुम्हारी यात्रा लंबी है इसलिए बिल्कुल रिस्क नहीं लेनी चाहिए। डॉक्टर आती आप तसल्ली से चेक करो, आराम चेक करो। मुझे जाना है हाथी भाई, मुझे लेट हो रहा है। देखो भिड़े मास्टर एक डॉक्टर होने के नाते मैं तुम्हें ऐसे ट्रैवल करने की परमिशन नहीं दे सकता, मुझे तुम्हें चेक करना पड़ेगा। क्यों मैं सर? अरे बिल्कुल, अरे भाई चिकित्सक भगवान का ही दूसरा रूप होता है, आप नहीं चली जा सकती। नहीं नहीं हाँ तो ठीक है आप जल्दी चेक कीजिए आइए। नहीं नहीं यहाँ कैसे चेक कर सकता हूँ, यहाँ मेरे कोई इक्विपमेंट नहीं है ना। हाँ, मैं देखो क्लिनिक तो जाना ही पड़ेगा। हाँ भाई 5 मिनट में क्या फर्क पड़ेगा, वो चको भी चको। अरे मरीज नहीं बोलते क्या हो रहा है गोकुल धाम में भाई, इतनी गलत फहमियां इतनी गड़बड़ियां और इतना धमाल, ये उम्मीद तो नहीं थी लेकिन अब हो रहा है, क्या करें भाई। हम जानते हैं हमें भिड़े और माधवी भाभी को रोकना है, गोकुलधाम से नहीं जाने देना है, लेकिन ये जो परिस्थिति है और परिस्थिति की ये जो नैया है वो बिल्कुल मझधार में है इस वक्त, क्योंकि बहुत मुश्किल हो रहा है हमारे। लेकिन इस वक्त इस नैया के माझी बने डॉक्टर हंसराज हाथी और उन्होंने शुरुआती कमाल दिखाया है। उन्होंने अपने चिकित्सीय ज्ञान का प्रयोग करते हुए एक बार बुखार का बहाना दे दिया और भिड़े को एक बार रोकने में कामयाब हो गए हैं। लेकिन अब बड़ी बात यह है कि ये कामयाबी कितनी देर तक टिकी रहे, क्योंकि हम और आप अच्छी तरह जानते हैं भिड़े को राई के दाने के बराबर भी बुखार नहीं है।
और सोनू के आने में लगभग आधा घंटा है, तो हम कितनी देर रोक पाएंगे? भिड़े और माधवी भाभी को रोकने की परिस्थिति की है नैया, जिसके माझी बने हैं डॉक्टर हंसराज हाथी, क्या इस नैया को पार ले जाएंगे या फिर हम सब डूब जाएंगे? सवाल ये है कि क्या सोनू का दिया हुआ चैलेंज टप्पू सेना हार जाएगी? सवाल ये भी है कि क्या हम भिड़े और माधवी भाभी को रोक पाएंगे? बहुत सारे सवाल है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, आपके ये जो दुखों के बुखार है ना, ये दूर करने के लिए हम हास्य की गोली देते रहेंगे। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।